नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ और दिखाऊंगा भी और परिचय भी कराऊंगा। तो नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं आप लोगों का दोस्त वैद्य मनोज सिंह मौर्य और आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक जंगल में दिल से धन्यवाद है और स्वागत है। तो चलिए मैं उस जड़ी के बारे में दिखाऊं और पहचान कराऊं, जिसे आप लोग जानते भी होंगे और इसे बहुत लोग देखे हैं, लेकिन इसको न जानने के कारण उसे लोग इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं उस जड़ी को और वो कैसा होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जड़ी के पास। देखिए, यही वो पौधा है, इसका नाम है पुत्र जीवक और इसे ऑनलाइन पंसारी की दुकान से बहुत जगहों से लोग खरीदारी करते हैं, लेकिन यह हमारे आसपास में बहुत बहुत मिलता है, हर एक जगह होता है, हर एक जंगल में, बाग बगीचे में सब जगह होता है, लेकिन न जानने के कारण हम लोग बाहर से पंसारी की दुकान से ऑनलाइन हम लोग मंगाते हैं और यही है उसका फल। और ये जो पकेगा तो हल्का पीला सफ़ेद लिए पकता है और हल्का से बड़ा होगा। इसका पका फल भी मैं दिखाऊंगा। और देखिए, ये अशोक का जो पत्ता होता है एकदम उसी तरह से इसका पत्ता होता है, लेकिन उससे थोड़ा छोटा इसका पत्ता होता है। देखिए यहाँ पर कितना है। और इस समय इसका सीजन है, सारे डंठल में देखिए पूरा फल लगा हुआ है। इसी को हम लोग पुत्र जीवक कहते हैं। और देखिए इसका पौधा कितना लंबा लंबा होता है, 10 से 20 फुट होता है। और इसका तना जो है, देखिए इसका तना कैसा है, सफ़ेद है। देखिए यहाँ पर पूरा सब, इस समय एकदम इसका सीजन है। इस समय ये बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। देखिए यहाँ पर, देखिए पका हुआ फल है, देखिए ये पका फल है, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। देखिए पका हुआ फल है, पका हुआ फल है और इसमें से बीज निकलता है, जिसे लोग पंसारी की दुकान से इसका ख़रीदारी करते हैं। देखिए यही बीज है, यही इसका बीज है, इसको जान लीजिए, पहचान लीजिए। मेरा मकसद यही रहता है कि आप देखिए यहाँ पर भी एक पका हुआ फल है, एक कच्चा फल है, कच्चा छोटा है, पका हुआ बड़ा है। तो मेरा यही एक भावना रहता है कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और जहाँ तक हो सके इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, कहीं गलती हो तो कमेंट में हमको बताइए कि क्या गलत हुआ है, क्या सही हुआ है। तो इसका मैं परिचय करा रहा हूँ और अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करिएगा। इसी को हम लोग पुत्र जीवक कहते हैं, पुत्र जीवक, पुत्र जीवक का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेरा काम है आप लोगों का औषधि से परिचय कराना, सही क्या है, गलत क्या है, उसके बारे में बताना। तो देखिए यहाँ पर कितना पका हुआ फल है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पका हुआ फल है, आपको मिल जाएगा। और जो अगर किसी भाई बंधु को चाहिए तो मैं नंबर दे दूँगा, वहाँ से
नंबर लेकर के फ़ोन करके आप लोग मंगा सकते हैं इसको। तो चलिए, मुझे आशा न विश्वास हो गया है कि आप लोग इसे पहचान गए होंगे, भली भांति पहचान गए होंगे और जान गए होंगे। देखिए इसका पेड़, देखिए कितना बड़ा बड़ा होता है, देखिए झाड़ी नुमा पेड़ होता है इसका, यही है पेड़, ये झाड़ी नुमा पेड़ होता है, लगभग सब जगह पाया जाता है, लेकिन कोई न जानने के कारण लोग ऑनलाइन पंसारी की दुकान से जगह जगह से ख़रीदारी अपना करते हैं, लेकिन ये बहुत जगह मिलता है। तो चलिए, मैं अब आप लोगों से विदा ले रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि हमारे चैनल पर जो भी भाई बंधु नए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ऑल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं, कमेंट ज़रूर करें, और इसका नाम अलग अलग जगह और जगह क्या है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, पुत्र जीवत के स्वास्थ्य लाभ मैं बता दूं, प्रजनन करने वाली है, कामोद्दीपन और शुक्र जननी है, अनुतेजक प्रज्वलन रोधी है, मुहासों से लड़ता है, बुखार और जुकाम का इलाज करता है, सिर दर्द को ठीक करता है, सर्प विष रोधी है, सलिपद यानी फील पाँव, हाथी पाँव में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो दोस्तों मित्रों, मैं बता दूं कि इसका इतना बढ़िया काम है कि एक समय ऐसा आएगा कि बहुत से लोग इसको ढूंढेंगे लेकिन नहीं मिलेगा। इसी समय है कि लोग ऑनलाइन पर निर्भर हो चुके हैं, पंसारी की दुकान पर निर्भर हो चुके हैं। तो दोस्तों मित्रों, मैं आप लोगों से एक ही अनुरोध करता हूं कि जहां भी दिखे इसको बचा करके रखिए। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग इस पौधे को भली भांति जान गए होंगे और पहचान गए होंगे। तो दोस्तों मित्रों, मैं आप लोग से विदा लेता हूं, फिर मैं अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया और धन्यवाद।